Hello students, as you know, your book is divided into two parts. Part A, employability skill, and part B, practically. Okay? So, part A, unit 1, chapter communication skill is going to be taught by me. What do you mean by communication? Communication means to share your idea with someone else. You can share your ideas between two or more persons. So, the word communication comes from Latin word communicare, meaning to share. You can share your ideas, your files, your words, your feelings. Communication is the sharing of information between two or more individuals or within a group to reach a common understanding. जब आप ग्रुप में होते हो तो आप लोग कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है? और अपने आइडियाज जो भी आपका आपके अंदर बात होती है या आपके आइडियाज होते हैं आप उसको दूसरों को बताते हो, दूसरों को शेयर करते हो, ठीक है? तो कम्युनिकेशन का मीनिंग आपको पता चल गया, बातचीत करना. Importance of communication. Inform, influence, and express feelings are the basic concept of communication. पहले inform पढ़ते हैं. Inform क्या है? Inform बना है information से. When you want to inform anyone about your idea, about your work, that means कि example कि आप एक timetable है अपना, आप अपने friend को share करो. तो दैट मीन्स आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो अपने टाइम टेबल के बारे में. आपने वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया और आप टीचर को इन्फॉर्म कर रहे हो कि माय वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी. तो इन्फॉर्म होता है गिव फैक्ट और इन्फॉर्मेशन टू सम. फॉर एग्जांपल कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्जाम टू फ्रेंड. किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म करना कहलाता है inform. Influence meaning अपनी बात के लिए किसी को मनाना. जैसे आप अपनी मदर को, आपको पिकनिक जाना है तो आप अपनी मदर को मना रहे हो, ठीक है? To influence or change someone in an indirect way but usually important way. Important way का मतलब है कि आप अपनी बात को मनाने के लिए good behavior, good communication skill का use कर रहे हो. You have to be good speaker. आपको good speaker होना होगा. जैसे negotiating with shopkeeper to reduce the price. आप shopkeeper से बातचीत कर रहे हो और किसी भी thing का price आप reduce करवा रहे हो उसे negotiate करके, ठीक है? तो आप उसको मना रहे हो. और helping a friend to overcome stress due to exam or any other reason. और अपने किसी friend का आप स्ट्रेस दूर कर रहे हो, उसको समझा रहे हो एग्जाम के को कि ड्यूरिंग वो परेशान है तो आप उसको समझा रहे हो. तो इन्फ्लुएंस कहते हैं इसको, मनाना समझाना. अगला है आपका एक्सप्रेस योर फीलिंग. कभी कभी हम लोगों को अपनी बात को कहना नहीं पड़ता, हमारी फीलिंग्स ही उसको एक्सप्रेस कर जाती हैं, हमारे फेस के एक्सप्रेशन उसको एक्सप्रेस कर जाते हैं. जैसे रिजल्ट आना था, बच्चा स्कूल से बहुत खुशी खुशी घर आता है तो पेरेंट्स उसको देखकर ही समझ जाते हैं इसका रिजल्ट अच्छा है. ऑन द अदर वे अगर उसका सैड है तो दैट मीन उसका रिजल्ट बिगड़ गया है. तो आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना नहीं पड़ता, ठीक है? आपके पेरेंट्स समझ जाते हैं या आपके फ्रेंड्स समझ जाते हैं आपकी एक्सप्रेशन को देखकर. टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग इज़ अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम. उसके बारे में फिर अगर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने की भी नीड नहीं है, वो ऐसे ही एक्सप्रेस करके समझना. फॉर एग्जांपल शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्जाम विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. आपने एक्साइटमेंट दिखाई, एक्साइटमेंट से ही समझ गए आपके पेरेंट्स कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि कम्युनिकेशन जो है टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। टू वे एक्सचेंज का मीनिंग होता है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो उसमें दो पर्सन या उससे ज़्यादा होने चाहिए, सब इकट्ठे तो बोलेंगे नहीं, एक जगह बोलेगा बाकी सुनेंगे, दैट मीन्स स्पीकर एंड रिसीवर। ठीक है, स्पीकर बोलेगा और रिसीवर सुनेगा और रिसीवर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। अब यहाँ पर अगर मैं पीपीटी की बात करूँ तो यहाँ पर आई एम द स्पीकर, मैं स्पीक भी कर रही हूँ और मैं लिख भी रही हूँ, मैंने पीपीटी को बनाया भी है। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग ये दोनों मेरे थ्रू हुए हैं, आई एम द सेंटर। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बोलकर और लिखकर। ऐसे ही आप रिसीवर हो, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कैसे मुझे सुन रहे हो आप, लिसनिंग स्किल है, और साथ में आप इस पीपीटी के जो भी इसमें वर्ड्स लाइंस लिखे हैं उसको रीड कर रहे हो। तो रीडिंग एंड लिसनिंग टू मी या टू समवन एल्स इज एग्जांपल ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, रिसीवर के एग्जांपल होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जब भी सेंडर बोले तो रिसीवर उसका बोलकर ही जवाब दे, वो उसको समझ कर उसको एक्सप्रेस करके भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, गिविंग, गिविंग कौन करता है, सेंडर, एंड रिसीव कौन कर रहा है, रिसीवर। क्लियर हो गया। जब हम क्लास में होते हैं तो हम फेस टू फेस बात करते हैं, तो सेंडर टीचर होगी और आप स्टूडेंट्स रिसीवर होंगे, वो ऑन द सेम टाइम वो अपनी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या आते हैं। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या थिंग्स होनी ज़रूरी हैं। फर्स्ट सेंडर होना ज़रूरी है जो अपनी बात कहेगा, रिसीवर जो बात सुनेगा। अब वो बात मैसेज, चाहे वो वर्ड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, चाहे वो सिंबल्स के फॉर्म में हो, तो वो मैसेज होना ज़रूरी है। अब वो मैसेज रिसीवर तक कैसे जा रहा है, अगर हम विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के, विदाउट किसी टेक्नोलॉजी के बात कर रहे हैं, तो वो मैसेज जैसे आपने साइंस में पढ़ा है कि एयर अगर है तभी हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, तो विदाउट एनी टेक्नोलॉजी हमारा जो मैसेज है रिसीवर तक थ्रू एयर जाता है। तो चैनल चाहिए हमको एक, जैसे कि एयर। अगर हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं, ईमेल से बात कर रहे हैं, तो हमारा चैनल एयर नहीं है, तब हमारा चैनल क्या हो गया, डिजिटल हो गए हम। ठीक है, तो हमारा चैनल बदल गया। तो दैट मीन्स एलिमेंट क्या क्या हुए, सेंडर, सेंडर क्या भेज रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, सेंडर वन, सेकंड इन्फॉर्मेशन, थर्ड कोई चैनल, चैनल कोई भी हो सकता है, चाहे वो एयर हो चाहे वो डिजिटल हो, और फोर्थ इज रिसीवर, रिसीवर होना चाहिए जो हमारी बात को समझ रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका परसेप्टिव्स इन कम्युनिकेशन। परसेप्टिव्स का मतलब है हम अपने मन में विचारधारा बना लेते हैं किसी के लिए गलत, और वो लॉन्ग टाइम रह जाती है। हमने अपने आइडियाज़ बना लिए, वो फॉल्स आइडियाज़ हैं, वो ठीक नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो। हमने व्यूज़ बना लिए, ठीक है, हमने धारणा कर ली कि वो ऐसा है, इसमें ऐसा होगा। जैसे कि कभी आप कोई चीज़ खाकर बीमार हो जाते हो, तो आपने परसेप्टिव बना लिया कि इस चीज़ को खा के मैं बीमार हुआ था, मैं आगे भी होऊंगा। ऐसे ही जब कभी आप फर्स्ट मीटिंग किसी से करते हो तो आपको वो अच्छा रिस्पांस नहीं देता, तो आपके मन में परसेप्शन हो गया कि ये रूड है, ये इगोइस्टिक है, ये अच्छे से बात नहीं करता, चाहे वो बात करता हो। तो परसेप्टिव आर आइडियाज़ एंड व्यूज़ और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग, हमने फिक्स कर लिया कि हमारी थिंकिंग ऐसी ही रहेगी उसके लिए। दीज समटाइम्स इफेक्ट आर कम्युनिकेशन, जब हम ऐसी परसेप्शन बना लेते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन उस जने के लिए सही नहीं रहती। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्टिवनेस इन कम्युनिकेशन, वो फैक्टर्स जो परसेप्टिवनेस को बढ़ावा देते हैं वो क्या क्या हैं। पहला लैंग्वेज में भी, जिससे हम बात करना चाह भी रहे हों और उसकी लैंग्वेज अलग हो तो हम उसे बात नहीं करेंगे,
तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, हमें परसेप्शन आ गया नहीं नहीं उसको ये लैंग्वेज नहीं आती तो उससे बात करने का फ़ायदा नहीं है, चाहे उसको वो थोड़ा बहुत समझ भी पा रहा हो तब भी हम उससे बात नहीं करेंगे। विजुअल, विजुअली वो हमको अच्छा नहीं लग रहा, देखने में हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम उससे बात नहीं करते, तब भी हमारे में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। कल्चर, कल्चर यानी सोच, थिंकिंग अलग अलग होना, एक बात के दो मीनिंग होते हैं। तो जैसे कि हमने थम्स अप किया व्हाट्सएप पे, अब थम्स अप का मतलब आपकी नज़रों में है गुड वर्क, बट सामने वाले ने समझ लिया कि आप उसको अंगूठा दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे कल्चर डिफरेंस आ गया, थिंकिंग डिफरेंस आ गया, तो वहाँ पर भी हमारी कम्युनिकेशन सही नहीं रहती, हम उससे बात नहीं करेंगे। फीलिंग, नॉट फीलिंग गुड, हम सही नहीं हैं तो नॉर्मली जब हम सही नहीं होते, हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी परसेप्शन कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया परसेप्शन का मतलब, कि हम अपने मन से ही हम एक सोच धारण कर लेते हैं कि हम ठीक नहीं हैं, उसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वो दिखता अच्छा नहीं है, वो सोचता अलग है, तो हम उससे बात नहीं करेंगे या वो हमारी बात को नहीं समझेगा। नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमको अपने ये सोचना चाहिए कि हमारी बात बिल्कुल अट्रैक्टिव हो और दूसरे को समझ आ जाए, तो हमको उसके लिए 7 C's को अडॉप्ट करना है। वो 7 C's कौन कौन से हैं? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। इनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। मेरी स्लाइड में आपको हर एक सीज का मीनिंग लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ। क्लियर, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ब्रीफ में। कंसाइज, आपको सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, एंड से ओनली व्हाट इज़ नीडेड, वही कहना है जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, जिससे सामने वाले को आपका टॉपिक समझ आ जाए। कंक्रीट, यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आप अगर कुछ भी टॉपिक समझाने जा रहे हैं, कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको उसके लिए वही वाले फ्रेजेस या वही वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं, कोई और यूज़ नहीं करना। करेक्ट, जब अगर आप लिख रहे हो तो आपकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर, अगर आप बोल भी रहे हो तब भी आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और ग्रामर आपकी करेक्ट होनी चाहिए। कोहेरेंट, योर वर्ड्स शुड मेक सेंस, जो भी आप बोल रहे हो उनका वर्ड्स का सेंस बनना चाहिए, एंड शुड बी रिलेटेड टू मेन टॉपिक, जो भी आपका मेन टॉपिक है, जो भी आपने टॉपिक लिया है जिसके लिए आप बोल रहे हैं, आप उसी की बात करेंगे, कोई और बात नहीं करेंगे। कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन, आपके मैसेज में सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज अगर वो शॉर्ट हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, तो आपको कंप्लीट कम्युनिकेशन वो नहीं कहलाएगा। कर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने आपको एक असाइनमेंट देती हूँ, स्टूडेंट आपको एक एमएस वर्ड फाइल बनानी है जिसमें आपको हर एक को सेम इमेजेस इंसर्ट करनी है, आपको लिखना है, आपको बुलेट नंबरिंग लेनी है, सबका पेज सेम लगना चाहिए और आप लोग सब अलग अलग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं बताया कि फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या कलर लेना है, आपको शेप कौन सी लेनी है, आपको सेंटर अलाइन करना है नहीं करना, अगर मैं ये सब नहीं बताऊंगी तो आप सबका डॉक्यूमेंट डिफरेंट बनेगा। यही अगर आपको मैं क्लियर तरीके से बताती हूँ कि आपको टाइटल रेड कलर का और सेंट्रलाइज करना है, उसका साइज 11 लेना है, ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, और मैं आपको ये भी बता रही हूँ आपको क्या लिखना है, आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है, तो आपका टॉपिक और जो भी मैंने आपको टॉपिक दिया है, चाहे वो पॉल्यूशन हो, तो वो आपको बिल्कुल उसी टॉपिक की बात करनी है, तो आपका टॉपिक बिल्कुल ठीक बनेगा, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट होगा और वो सबका अलग अलग बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है कि वर्बल कम्युनिकेट करना, वर्बल मतलब कहकर या लिखकर, ठीक है, मौखिक एंड लिखित आपने सुना होगा हिंदी में। नॉन वर्बल का मतलब होता है
स्टेटस के थ्रू बातचीत करना, जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग इमोटी कॉन्स या स्माइली सेंड कर देते हैं लिखने की बजाय, गुड वर्क है तो आपने थम्स अप दे दिया, स्माइली भेज दिया कि आप खुश हो, तो वो नॉन वर्बल में आते हैं। विजुअल का मतलब होता है कि आपने कहीं पर पिक्चराइजेशन लगा दी और वो पिक्चर उस कंप्लीट पार्ट को कह रहा है, जैसे नो स्मोकिंग जोन है कोई तो आपने सिर्फ स्मोकिंग के लिए क्रॉस कर दिया, ठीक है ठीक है, तो वो बता रहा है कि यहाँ ये नॉन स्मोकिंग जोन है, आपने लिखा नहीं इंग्लिश या हिंदी में, आपने बस बता दिया, ठीक है। अब इसका डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम। मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स, जैसे मैंने बताया लिखित और मौखिक भाषा में, वर्ड्स में कहना, अपनी बात को समझाना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द कम्युनिकेशन इज़ फेस टू फेस, इसके अंदर कम्युनिकेशन फेस टू फेस भी होता है। सो इन केस इफ़ यू यूज़ एनी रॉन्ग वर्ड देन देयर कैन बी चांसेस टू करेक्ट इट। जब आप फेस टू फेस किसी से बात करते हैं तो यहाँ पे चांसेस होते हैं उस बात को ठीक करने के। कैन ईजिली बी एक्सप्लेन व्हाट अ पर्सन वॉन्ट्स टू से, और उसको हम ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जैसे क्लास में हम पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रही है, तो आपके पास पूरी टीचर आपको परमिशन देती है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को इन वर्ड्स आप शेयर कर सकते हो। तो पहला जो वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा, टाइप होगा, वो होगा स्पोकन कम्युनिकेशन इन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग, जिसमें आप बातचीत करके अपनी स्पोकन अपनी वर्बल बात कह सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या है वर्बल कम्युनिकेशन का? अगर आपको बोलने का मौका दिया जाता है तो दैट मीन्स, सबसे पहले जब बच्चा बोर्न होता है तो उसको फैमिली में बोलना सिखाया जाता है, जैसा वो सुनता है वैसा वो बोलता है। तो ऐसे ही जब वो स्कूल में आता है तो जैसे फ्रेंड सर्कल मिलते हैं वो उस तरीके से बात करता है। तो ग्रुप के अंदर जब वो डिस्कशन कर सकता है, अगर उसको वर्बल कम्युनिकेशन टॉकिंग यानी ग्रुप डिस्कशन में बातचीत करना, फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना, और अगर वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है तब भी वो वर्ड्स का यूज़ करेगा, क्लासरूम में अगर वो पढ़ रहा है तब भी वो वर्ड्स का यूज़ करेगा, अगर बिजनेस डिस्कशन हो रही है किसी इन बड़े लोगों की तब भी वो वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और अगर पब्लिक में किसी को स्पीच देनी है किसी लीडर को तब भी वो वर्ड्स का ही यूज़ करेंगे। ऐसे ही जब अगर कभी आप स्कूल में आपके हाउस मीटिंग होती है, आप लोगों का कोई कंपटीशन होता है तो आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, तो वहाँ पे भी आप बोलते ही हो, टॉक कर रहे हो, वर्ड्स का यूज़ करते हो, तो वर्ड्स का यूज़ करना कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। बट वर्बल कम्युनिकेशन में एक और चीज़ आती है रिटर्न, यही अगर आप रिटर्न से भी कर सकते हो, जैसे लेटर लिख कर जो आपसे दूर रहते हैं अगर उनको आपको अपना मैसेज सेंड करना है तो यू विल कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स, बाय सेंडिंग ईमेल्स, बाय सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेजेस, ओके, यू कैन शेयर योर थॉट्स बाय रिटर्न कम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट इज, तो एडवांटेज पता चलिए आपको, वर्बल कम्युनिकेशन इज ईजी एंड क्विक, ईजी है, कोई भी ईजीली टॉक करके अपनी बात को कह सकता है। इट इज़ ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडिया, अब आपने बोला उधर से किसी और ने आंसर दिया तो ग्रुप डिस्कशंस का हो जाता है। यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द अदर पर्सन्स रिप्लाई, या आप अपनी कम्युनिकेशन को चेंज भी कर सकते हो एट ए मोमेंट, ठीक है, जैसे ही पर्सन्स ने रिप्लाई किया तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका आंसर कोई और दो, आप कुछ और भी दे सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यही होती है इसमें कि मे बी सुनने वाले की लैंग्वेज डिफरेंट हो। द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज कल्चरल डिफरेंस, वो क्या होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्या पता वो डिफरेंट लैंग्वेज जानता हो वो आपकी लैंग्वेज ना जानता हो, तो वहाँ पर बस कम्युनिकेशन की डिफरेंस आएगी। आपने उसको लेटर इंग्लिश में लिख के दिया और उसको इंग्लिश नहीं आती, आप उसको इंग्लिश में समझा रहे हो और उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वर्बल में यही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज ऑल आर वेरी मच फाइन। अपनी बात को सही तरीके से कहने का तरीका वर्बल कम्युनिकेशन ही है। नेक्स्ट है आपका पब्लिकली, अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सिर्फ बात कहना ही सब कुछ नहीं होता, तब आपको
तैयारी करनी पड़ती है कि जिससे कि आप नर्वस फील ना करें और आप कुछ गलत ना बोलें, आप बुद्ध की करें, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। वो तीन तैयारी क्या है? वो तीन पीज हैं। जैसे कि आप जब कभी स्कूल में हाउस एक्टिविटी होती है, आपको कोई टॉपिक तैयार करने के लिए दिया जाता है, तो आपके हाउस कैप्टन्स आपको प्रिपेयर करते हैं, पहले टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, फिर आपकी परफॉर्मेंस होती है। तो तीन पी क्या हुए? प्रिपेयर करना डॉक्यूमेंट को, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना, और उसकी फिर परफॉर्मेंस करना। तो स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील नर्वस, देन यू कैन यूज थ्री पीज मैथड टू गेट ओवर योर फियर। अपने फियर को निकालने के लिए आपको थ्री पीज का यूज करना है, देन यू विल बिकम कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर। नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल, जहाँ हम वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, वहाँ हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं। जैसे कि आजकल आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आप म्यूट होते हो, बट जब टीचर को आपसे क्वेश्चनिंग करनी हो या आपको टीचर से क्वेश्चनिंग करनी हो, तो यू हैव टू रेज योर हैंड, अपना हैंड रेज करना है, फिर टीचर आपको देखेगी, आपको अनम्यूट करेगी और आपसे उसके बारे में पूछेगी। तो यहाँ पर आपको बोलने की परमिशन नहीं थी, तो आपने टीचर को कैसे बताया कि आपको कुछ कहना है? विद द हेल्प ऑफ रेज योर हैंड, आपने रेज किया अपने हैंड को, तभी टीचर आपको समझ पाई है। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ मैसेज वी सेंड टू अदर्स विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। हम वर्ड्स यूज नहीं कर रहे, हम इसमें मैसेज भेज रहे हैं, कैसे? एक्सप्रेशंस के थ्रू, गेस्चर एंड बॉडी पोस्चर, हैंड मूवमेंट्स आती हैं इसमें। जैसे कि आप किसी को नमस्ते कह रहे हो, रेज करके हैं, बाय बाय कह रहे हो, या अगर आपको किसी से गुस्सा आ रहा है तो आप उसको उंगली दिखाते अपना एंगर डिफाइन कर रहे हो, पॉइंट आउट योर फिंगर इन एंगर। एक्सप्रेशन के अंदर आप स्माइलीज भेज रहे हो कि आप खुश हो, अगर आपने रोती हुई स्माइली भेजी है, देट मीन्स यू आर सैड। ठीक है, तो एडवांटेज इसकी यही है कि ये आपके मैसेज को स्ट्रॉन्गर बनाता है। नेक्स्ट है, इन्होंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन, पोस्चर। अब देखिए यहाँ पे ये इंडिविजुअल परेशान है, वेरी अपसेट मूड में है, गेस्चर थम्स अप करना, दैट मीन्स वेरी गुड वर्क, थम्स डाउन है, दैट मीन्स नॉट लाइक बाय यू। टच करने का मतलब आपका हैंडशेक करने का मीनिंग, मन कर रहा है उससे, हक करने का मन कर रहा है, तो ये सारे इमोजीज भी, स्माइलीज भी आपके पास होती हैं, आपने देखे ही होंगे। लास्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अलग अलग टाइप की स्माइलीज होती हैं, पोस्टर अलग अलग होते हैं और बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग होती है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में लास्ट आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल के अंदर मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि इसके अंदर हम कुछ लिखते नहीं हैं, कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, बिकॉज एज वी नो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, सब अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन आपको कहना हो कि नो हॉर्न एरिया है, यहाँ रेड लाइट लगी है, यहाँ पर आपको नो स्मोकिंग जोन है, तो आपको लिखने की नीड नहीं है, आपको इंग्लिश हिंदी में लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर कोई अलग प्लेस का पर्सन आपकी सिटी में आएगा तो उसको मे बी इंग्लिश और हिंदी ना आती हो, उसको अपनी लैंग्वेज आती हो, अपनी रीजनल लैंग्वेज आती हो, तो वो कैसे समझेगा कि ये नो हॉर्न है या आपने नो हॉर्न लिखा है। तो इसलिए हमने उसके लिए पिक्चर्स बना दी हैं, हमने नहीं, एक्चुअली बहुत पहले से ये साइंस एंड एसएसटी में आप पढ़ते आ रहे हो कि पिक्चर्स के शो के थ्रू इसको शो किया जाता है, जिससे कि इजीली कोई भी इसको आइडेंटिफाई कर सके कि ये क्या कहना चाहता है, और क्विकली आइडेंटिफाई कर सके। रोड पर चलते चलते हम रुक कर पढ़ेंगे नहीं, हम बस पिक्चर से समझ जाएंगे कि यू टर्न है या फिर ये जोन है, ये रेलवे लाइन है, या फिर यहाँ पे स्लिपरी सरफेस है, तो आपको पढ़ना नहीं पड़ता और अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ भी नहीं करना पड़ता। तो विजुअल कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है जहाँ पर हम कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, बस डायग्राम के थ्रू अपनी बात को हम कह देते हैं। तो ये हमारा नॉर्मली रोड सेफ्टी में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो होप आप लोगों को ये चैप्टर
समझ आ गया होगा। टिल देन